तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेचर सफारी का गेट है और हम नेचर सफारी के गेट पर पहुँच चुके हैं और हम इसी बस से जो है ट्रेवल करके अंदर जो है पहुँचे थे। उसके बाद आपको अगर ग्लास ब्रिज अगर घूमना चाहते हैं तो 175 रुपये और बाकी सब सर्विसेज के लिए यहीं से आपको टिकट लेना होगा अलग अलग। बाकी फर्स्ट में आपको एंट्री फीस और ग्लास ब्रिज के लिए टिकट जो है आपको एक नंबर गेट पर ही मिलेगा, वहीं से आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ वाकई में डर लग रहा है, डरने वाली बात नहीं है लेकिन एक होता है ना दिल में डर है भाई, डर लगेगा भाई, डर तो स्वाभाविक चीज है। कितने मिनट तक रुकना है इस पे? डेपो अभी तक नहीं आ रहे फिर फोटो खींचे हमको भेज, चलिए चलिए आप लोग अब अरे ला ना उनको, हम भी आएंगे, चलिए आप लोग बढ़िए ना हम भी आएंगे, चलो ये मेरा एक सेकंड सेल्फी आ जाओ तीनों लोग, अरे ऐसे सिंगल लेना है ना, चल भाई ऐसे तो दोस्तों हम ग्लास ब्रिज घूम चुके हैं और ये रास्ता आप देख सकते हैं कच्चा रास्ता जो है सस्पेंशन ब्रिज की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए यहाँ पे ये स्टैचू वगैरह लगाया गया है रास्ता बताने के लिए कि किधर से हम लोगों को जाना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हाथ जो है हाथ का इशारा इस साइड से है तो इधर से हम निकल सकते हैं। अब भी आए तो कम से कम पानी का बोतल वगैरह ले ले साथ में क्योंकि प्यास बहुत लगता है यहाँ पे और आज मौसम भी कुछ खास है क्योंकि हल्का हल्का बारिश का जो है छींटा जो है देखने को मिला है तो ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन हो सकता है कि आप आए तो गर्मी ज़्यादा हो। तो साथ में खाने पीने का सामान और पानी का बोतल जो है साथ में ज़रूर ले लें।
तो दोस्तों ये है सस्पेंशन ब्रिज, तो देख सकते हैं ये लकड़ी का बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है जो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होता है, तो अपना पांव भी रखा जाता है, थोड़ा इधर उधर आदमी भागता है तो थोड़ा डर तो लगता है लेकिन मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सस्पेंशन ब्रिज को पार कर रहे हैं और दोनों तरफ दोनों साइड में ये खाई देख सकते हैं कितना खाई है, और मैं आपको दिखा दूँ ये पहाड़ है, इस पीछे वाले एक पहाड़ से ये वाले पहाड़ को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पर ख़त्म हो रहा है सस्पेंशन ब्रिज, चोट लगी।